सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री बहना योजना के तहत सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। वंदना जी और वहां से रीता जी से लेकर रुड़की वाले सब हमारे हरिद्वार वाले हैं, सभी जनपदों से आए हुए हमारी सभी मातृशक्ति मेरी बहनें, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, यहाँ आने के लिए और रक्षाबंधन के उपलक्ष में सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हो रहे इस कार्यक्रम में आप सबके आज ये मुख्य सेवक सदन में यहाँ उपस्थित होने पर मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ ही क्योंकि हमारा ये त्योहार का पर्व भी चल रहा है, आइए आदरणीय नरेश बंसल जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। माताओं और बहनों के अटूट स्नेह के बंधन के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर्व की भी आप सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब ने, मैं आप सबके चेहरों को देख रहा हूँ, जो आपके चेहरों पर प्रसन्नता है, एक उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा प्रदान कर रही है। और ये जो ऊर्जा है आप सबसे जो प्राप्त होती है, इस ऊर्जा से मुझे और हम सभी लोगों को जो इस सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और अधिक ऊर्जा का ऊर्जा मिलने से हमारा उत्साह वर्धन होता है। और निश्चित रूप से जिस काम में हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, उस काम को करने में और अधिक हमको आसानी होती है। रक्षाबंधन पर्व हमारा प्रेम स्नेह और विश्वास का, इसके प्रतीक का पर्व होने के साथ ही ये हमें हमारे जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं, उन सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर, कि हमारा संकल्प है और आप सब